सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी विद्या मैंने सुना है कि आपने ये ट्रेलर सबसे छुपा के रखा था एवरीबडी इन योर फैमिली वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस ट्रेलर आप चाहती थी कि सबके सब एक साथ मिलकर के ये ट्रेलर देखें आफ्टर द लॉन्च ऑफ इट क्या था ये सरप्राइज बना के रख रही थी आप। पहले तो हम सबसे कहना चाहेंगे सलाम uh. महीना आपको भी गिनना आता है तो 14 अप्रैल को थियेटर पहुंच जाइएगा जरूर याद रखिएगा 14 मार्च से 14 अप्रैल सॉरी मैं भटक गई <laughs> बेगम जान मुझमें घुस गई थी मैं <laughs> आपसे पूछ रही थी कि सरप्राइज <laughs> रखा था एवरी वन बिन आस्किंग मी की ट्रेलर कब लॉन्च हो रहा है ट्रेलर कब लॉन्च हो रहा है मैंने कहा थोड़ा बेसब्री बढ़ाऊ और फिर दिखाऊँ क्योंकि इसमें इतना धमाका है हाँ <laughs> कि एक महीने से ज्यादा लोग वेट नहीं कर पाते थे तो इसीलिए हमने सोचा कि मार्च फोर्टीन को आराम से रिलीज करते हैं सबको दिखाते हैं फिर तीस दिन आप लोग वेट करते रहना अप्रैल को रिलीज क्या <laughs> बात है अच्छा आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स विल अग्री आपने इस फिल्म में जरूर बताया है कि आप रानी हैं इस महल की रानी हैं आप लेकिन विद योर होल क्रिकेट टीम विद यू कैसा हुआ था कि असली में भी आप सबकी हेड ऑफ द फैमिली बन गई थी रानी बन गई थी

और सब जिस तरह से चिल्लाए मैं इंटिमिडेट हो गई थी <laughs> <laughs> मैंने कहा कि ओ माई गॉड यू नो एंड आई देम इन एक्शन सो मैनी टैलेंटेड एक्टर्स इन वन रूम इट वॉज जस्ट इनक्रेडिबल इट वॉज अनबिलीवेबल सो मैं इंटिमिडेट हो गई थी <laughs> oh विद्या uh, आपकी हर भूमिका अलग होती है हटके होती है और हर फिल्म आप एक हीरोइन ऐसे हर फिल्म में दिखता है तो इस फिल्म में भी काफ़ी चैलेंजिंग रोल कर रही है आप और फिल्म में गालियाँ भी है जो आपको देनी पड़ रही है ऑफ़ ऑफकोर्स आपकी भूमिका वैसी है सो so, ये कितना आसान था आपके लिए या यू you नो know, कैसे कहेंगे बहुत आसान था मैं तो रोज गालियाँ भगती हूँ <laughs> नहीं मैं गालियां नहीं बकती पर, बार के अंदर बकती है <laughs> पर पहले तो पहले बकी हाँ भड़ास निकाल ली मैंने इस फिल्म में जो आ, हर बार मेरे दिमाग में कभी गाली चलती है और मैं बक नहीं पाती इस फिल्म में श्रीजीत ने मुझे छूट दे दी कभी कभी किसी दूसरे का लाइन चल रहा होता मुझे कोई लाइन मेरा अगर कोई लाइन नहीं होता शॉर्ट में तो मैं बीच में गाली बक देती <laughs> <laughs> नहीं पर जोक्स पार्ट आई थिंक ये जहाँ से आती हैं Uh, जिस तरह का माहौल है वो गालियाँ बहुत आसानी से बकती हैं सा, सारी की सारी लड़कियाँ कोई बड़ी बात नहीं है um, तो वेन आई वॉज़ प्लेइंग द रोल आई डेंट थिंक कि अच्छा मैं गाली कैसे बकूँ बिकॉज यू कान बी बेगम जान एंड बी यू नो मैं uh, शायराना उर्दू नहीं बोल सकती uh, तो आई इन्जॉय प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स जैसे हर बार जब हम खाना खाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अलग हो लंच के लिए अलग हो शाम का अलग हो रात का अलग हो तो बहुत मजा आता है फिर गालियाँ सिर्फ तड़के की तरह होता है या <laughs> yeah. तो अब आप कंफर्टेबल हैं मतलब आप आदत हो गई आपको? मैं कंफर्टेबल हूँ पर मैं कैमरा के सामने बोल नहीं सकती आप लोग दिखा नहीं पाएंगे थैंक <laughs> यू एक्चुअली इसमें मेरा कोई कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है आई थिंक श्री जीत है सर्टन विजन ऑफ वे रामजान इन माइंड और वो पंजाब की हैं तो इस वजह से रिक जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स किए ही सॉस्ड यू नो फैब्रिक्स फॉर एग्जाम्पल जैसे फुलकारी हुई या कोई वहाँ का काम उस तरह से उन्होंने सॉस किया एंड देन माई मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट You know Shreyas and Shalaka who've been with me forever, they love to, uh, you know, give me a uni make me... <laughs> uh, put a little um, dirt on me in scenes that require, they, they're very, they're thrilled by all that. But no, genuinely, I, I feel very fortunate to have worked with a team where I didn't have to worry about the look of Begum Jaan at all. Also credit to Gopi Bhagat, the cinematographer. You know, the way he shot Begum Jan, she is larger than life. That's that's how Shrijit saw her and that's what Gopida has done. So it's all of of them put together. Very little of me. <laughs> Thank you. आपसे इंडिया में प्रॉन्स्टिट्यूशन एक कितनी बड़ी समस्या है चाइल्ड जब आप ये किरदार निभा रही थी बेगम जान का तो ये किरदार करते वक्त आपने आ, आ, आप क्या ज्यादा अवेयर हुई जो इंडिया में जो प्रॉब्लम है उनके दर्द को आपने और ज्यादा करीब से महसूस किया ऐसा हम कह सकते हैं आपकी क्या फीलिंग्स थी किरदार निभाने uh, निभाते think, वक्त और निभाने के बाद आई थिंक यू नो एज अ वूमन एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी मैं मैंने काफी पढ़ा है इसके बारे में तो मुझे uh, मुझे पता था कि, कि, किस यू नो सुपरफिशली तो नहीं कहूँगी पर uh, अकेडमिकली मुझे पता था कि क्या है पर वो महसूस तब हुआ जब मैंने बेगम जान की वो क्योंकि आप पर्सनलाइज करते हैं तो यू you नो know, आप पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि अच्छा लीगलाइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये सब डिबेट्स तो कितने साल से चलते आ रहा है पर जब आप खुद उस किरदार को निभा रहे होते हैं आप पर्सनलाइज करते हैं फिर आपको एहसास होता है कि वो जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द बॉडी होता है जब आप बॉडी को ट्रेड करते हैं फॉर सर्वाइवल इट कैन गेर इजी इसके वजह से जब मैं भाषा की बात कर रही थी गुस्सा होता है उनमें वो और किस तरह से गुस्सा निकालेंगी नो तो

होना चाहिए तो हो क्योंकि आपको फिर वो स्पेस मिलती है कि आप अपनी बात लेकर उनके साथ आर्ग्यूमेंट पेश करें और फिर सारे जो विंडोज आपके पास बहुत सारे विंडोज रिवाइजिंग कमेटी है ट्राइब्यूनल है कोर्ट है मगर अगर, अगर आप दुकानदार हैं तो फिर आप वो उसको उस, आप उस डॉक्यूमेंट की सैंक्टिटी में यकीन ही करते हैं यहाँ पर एक शॉट के लिए डायरेक्टर बोलता है कि मैं मर जाऊंगा मैं काटूंगा नहीं मुझे ऐसे फिल्म मेकर जो है दिखाइए ना ऐसे है कहाँ तो वो जब आपके हाँ अंदर इतना कन्विक्शन होता है तो वो कन्विक्शन जैसे विशेष जी कह रहे थे वो नियत, वो नीयत उसके पाक नियत जो है कहीं पर कम्युनिकेट होती है और इसलिए ये सिस्टम अच्छा है कि आप पहले उसको सेंसर करा लीजिए फिर सेंसर डेट के बाद में रिलीज फिक्स कीजिए

तब मुकेश जी और भट्ट साहब लड़ जाएंगे वो इस तरह की फिल्म करने के बाद वो आश्वासन हो तो आप यू you नो know, पूरी तरह से ईमानदारी से परफॉर्म कर सकते हैं नहीं तो अगर आपको पता पता हो कि यू नो कट सकता है और कोई कुछ नहीं करेगा तो फिर आपकी मेहनत कम हो जाती है सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू प्ले एंटरटेनमेंट फॉर पार्टनरिंग ऑन दिस और